22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी के साथ ही कुछ दिनों में सब लोग राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन भी करने लगेंगे। इसी के चलते जिन भी लोगों ने राम मंदिर बनने में योगदान दिया है उन सभी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है ब्रह्म ऋषि योगीराज देवराह बाबा। जी हाँ, देवराह बाबा का नाम राम मंदिर आंदोलन में अहम योगदान का रहा है। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का देवराह बाबा के आश्रम में जाना आना अक्सर लगा रहता था। बाबा से उनका अटूट लगाव था। वीर बहादुर सिंह ने देवराह बाबा के कहने पर ही 1986 में राम जन्मभूमि स्थल का ताला खुलवाया था। मंदिर आंदोलन में देवराह बाबा के योगदान को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र के साथ भेजी जा रही विशिष्ट पुस्तक में कई विभूतियों के साथ ब्रह्म ऋषि का चित्र भी अंकित किया गया है। आपको बता दें कि पीठाधीश्वर श्याम सुंदर बताते हैं कि 1979 में प्रयागराज में हुई धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद RSS देश के धर्माचार्य की भीड़ जुटी थी। उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चा घबराओ नहीं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आम सहमति से हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बाबा की कही हुई बात 34 साल बाद साकार हो रही है। पीठाधीश्वर ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। 21 जनवरी को भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्ध मिष्ठान के साथ हम अयोध्या जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस निमंत्रण पत्र के साथ संकल्प नाम की पुस्तक भी भेजी जा रही है। पुस्तक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 500 साल के संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले 21 महापुरुषों का नाम समर्पित है। इसमें रामलला की तस्वीर के बाद वाले पहले पन्ने पर देवराह बाबा की तस्वीर छपी है। आश्रम के पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास को निमंत्रण पत्र मिलने से पूरे आश्रम सहित क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि देवराह बाबा की गई भविष्यवाणी अब सच हो रही है और सभी राम भक्त देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।